किसान धान ज्वार अरहर और मूंगफली की खेती से बना रहे दूरी वजह जानकर चौंक जाएंगे आप दरअसल कर्नाटक के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कहा जा रहा है कि कर्नाटक में धान ज्वार अरहर और मूंगफली सहित मुख्य खाद्य फसलों की खेती में गिरावट आई है जानकारों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि किसान ऐसी फसलों की तरफ अब रुख कर रहे हैं जिनमें कम लागत से अधिक मुनाफा मिलता है वही फसल चक्र में बदलाव का मुख्य कारण सूखे को भी माना जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक जहां धान ज्वार और अरहर सहित जरूरी फसलों की खेती में गिरावट आई है तो वहीं कपास सोयाबीन हरा चना मक्का बंगाल चना और गन्ने के रकबे में बढ़ोतरी हुई है मिली जानकारी के मुताबिक पिछले वर्ष की तुलना में इस साल कुछ फसलों का उत्पादन में काफी कमी आई है क्योंकि खेती क्षेत्र कम हो गया है साल 2022-23 के दौरान कर्नाटक में कुल नवासी लाख नौ हज़ार हेक्टेयर में खाद्य फसलों की खेती की गई थी जिससे एक सौ तैंतालीस लाख छप्पन हज़ार टन उत्पादन हुआ था वहीं 2023-24 में सत्तर लाख उनसठ हज़ार हेक्टेयर में खेती हुई जबकि उत्पादन एक सौ बारह लाख बत्तीस हजार टन हुआ खास बात यह है कि कर्नाटक में लगभग सभी अनाज दलहन तिलहन और वाणिज्यिक फसलों की खेती की जाती है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार खरीफ रबी और गर्मी के मौसम में कृषि फसलों की खेती का औसत क्षेत्र एक लाख बानवे हजार हेक्टेयर था इसमें चालीस फीसद भूमि पर अनाज उनतीस फीसद पर दालें दस फीसद पर तिलहन तो सात फीसद पर कपास और नौ फीसद पर गन्ना और एक प्रतिशत भूमि पर तंबाकू होता था विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि किसान उन फसलों को चुन रहे हैं जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है साथ ही खेती करने में आसानी होती है और कम निवेश में अधिक लाभ होता है कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु के पूर्व रजिस्ट्रार का कहना है कि किसान ऐसी फसलें चुन रहे हैं जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है कटाई के लिए कम दिन होते हैं कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसान पिछले वर्षों से सूखे के कारण संकट में है और वे लागत भी नहीं निकाल पा रहे वहीं अब किसान उन फसलों को चुनते नजर आ रहे हैं जिनकी बाजार कीमत अधिक है मिली जानकारी के मुताबिक अगर ये प्रवृत्ति जारी रहती है तो ये अच्छा संकेत नहीं होगा क्योंकि किसान कुछ फसलें नहीं उगाएंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी और सरकार को राजस्व भी नहीं मिलेगा अधिकारियों का कहना है कि अगर सरकार ऐसी फसलों के लिए सब्सिडी देती है तो किसान उन्हें उगाने का विकल्प चुनेंगे उनका कहना है कि हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ फसलों की कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि मांग तो है लेकिन किसान उन्हें उगा नहीं रहे ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी